हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, नेम द स्टोरी ऑफ फिदिक फिलिप की कहानी ऑन पेज नंबर 22। और इसकी जो ये पोयम है और इसके जो ऑथर है उनका नाम है हेनरिक हॉफमैन। ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 23। Do you know how naughty children behave at home? क्या आप जानते हैं शरारती बच्चा अपने घर पे कैसा व्यवहार करता है? Let's read a poem about a naughty child. आइए उस शरारती बच्चे के बारे में अपन एक कविता पढ़ते हैं and find out और उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो ये poem बताई गई है, इसको हम read करेंगे। Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Thus papa bad feel we have and mama look very grave, but fizzy feel he won't sit still. He wriggles and giggles and then I declare swings backwards and forward and tilts up his chair. Just like any rocking horse, Philip, I am getting cross. See the naughty restless child growing still more rude and wild. Till his chair falls over, quiet Philip screams with all his might, kisses and the cloth, but then that makes matters cross again. हाँ तो बच्चों, इस पोयम में बताया गया है, लेट मी सी फिलिप कैन बी ए लिटिल जेंटलमैन, मुझे देखने देखिए क्या फिलिप थोड़ा सज्जन हो सकता है। लेट मी सी इफ ही इज एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल, मुझे देखने दो कि क्या वह टेबल पर एक बार भी बैठने में सक्षम है। दस पापा बैड फिल बिहेव एंड मम्मा लुक वेरी ग्रेव, इस प्रकार पापा बोले फिल व्यवहार करते और मम्मा बहुत गंभीर लग रही थी। बट फिजी फिल ही वॉन्ट सिट स्टिल, ही रिगल्स एंड गिगल्स एंड देन आई डिक्लेयर स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेकिन फिदगी फिल वह अभी भी नहीं बैठेंगे, वह झगड़ता है और गिगल्स और फिर में झूलों को पीछे और आगे की घोषणा करते हैं एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर और अपनी कुर्सी को झुकाता है। जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस, जैसे किसी रॉकिंग घोड़े को फिलिप में पार कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें बताया है, सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर र्यूड एंड वाइल्ड, शरारती बेचैन बच्चे को देखें अभी भी अधिक कठोर और जंगली हो रहा है, वो बहुत र्यूड, बहुत ज़्यादा कठोर एंड जंगली हो रहा है, इतना शरारती है वो। टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट, जब तक उसकी कुर्सी काफ़ी नीचे गिर जाती है। फिलिप्स स्क्रीम विथ ऑल हिज माइट, फिलिप उसकी सारी ताकत से चिल्लाता है, कीचेज एट द क्लॉथ बट देन दैट मैक्स मैटर रोस अगेन, कपड़े पर पकड़ है लेकिन फिर यह मामला फिर से बदतर बना देता है। अब आगे भी एक पोयम है नेक्स्ट पेज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो ये जो अंडरलाइन जो मैंने करे हैं जिन स्पेलिंग्स पे, वो आपको राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक पे। देखिए, बिहेव, ग्रेव, फिजी, wriggles, tilts, cross, restless, screams, might and matters, ये स्पेलिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, साथ ही में लर्न भी करनी है। थैंक्स।